फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसूर दाल की सब्ज़ी। तो इसके लिए ये मसूर दाल ली है, इसको मैंने पानी में 5-6 घंटे भिगो के रखे थे। और इसके साथ मैं ये ग्रीन चिली और अदरक डाल के एक साथ पेस्ट करूँगी। ये देखिए, मैंने दाल को हल्का दरदरा करके ही पीस लिया है। अब मैं इसमें पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और मैं इसमें अब स्वाद के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूँगी। इस दोनों को दाल के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने कढ़ाई पे तेल चला दी है, मस्टर्ड ऑयल, इसको गर्म करने के लिए। अब गर्म होने के बाद जो मैंने मसूर दाल पीस के रखी है उसके छोटे छोटे पकौड़े बनाऊँगी। इसमें तेल गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें पकौड़ा तलूँगी। इस पकौड़े को हमको मीडियम फ्लेम में ही इसको तलना है। एक तरफ जब फ्राई हो जाए तो उसको पलट देना है। ये देखिए, फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकालूंगी। ये मैंने तेल पे ऑनियन पेस्ट और लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है और मैं इसमें जीरा पाउडर भी ऐड कर लिया है। मैं सबको अच्छे से मिला के अच्छे से भून लूँगी। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी। तो हमारी मसाला भून चुकी है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इस करी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा है ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो पकौड़े हैं वो पानी बहुत सोख कर लेते हैं। तो आप जितना ग्रेवी चाहिए आपको, आप उसके हिसाब से आपको पानी डालना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पानी बहुत सारा सोख हो जाता है पकौड़े के लिए। इसमें उबाल आ चुकी है, अब मैं इसमें पकौड़े को ऐड करूँगी। पकौड़े ऐड करने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसमें इमली का पल्प यूज़ करूँगी। आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इमली का पल्प यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, खट्टा खट्टा थोड़ा सा टेस्ट लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप रोटी चावल दोनों के साथ ही खा सकते हैं।